नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मुद्दा में और मैं हूँ आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे टिकैत के सियासी अरमान की। कृषि कानून के खिलाफ किसान 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर भी किसान संसद के जरिए आवाज बुलंद की जा रही है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने अब आंदोलन को लखनऊ में भी करने का ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो अब लखनऊ को भी दिल्ली बनाएंगे, यानी किसान आंदोलन को दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में भी चलाया जाएगा। राकेश टिकैत के इस बयान को लेकर कांग्रेस को उनका साथ मिला है और आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि न केवल यूपी बल्कि पूरे देश का किसान इस आंदोलन के साथ है। हालांकि बीजेपी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा सरकार उसके साथ सख्ती से पेश आएगी। बीजेपी का कहना है कि कुछ लोग इस आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन के जरिए अपना राजनीतिक करियर बनाना चाहते हैं। एक तरफ किसान आंदोलन से राकेश टिकैत सियासी मंसूबे पे पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं पर सपा रालोद की दोस्ती का रंग विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही और चटक होने लगा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की मुलाकात में इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। कृषि कानून विरोध आंदोलन के इससे मिली संजीवनी के बाद ही रालोद ने अपनी ताकत बढ़ाने का खाका तैयार कर लिया है। सपा को विश्वास में लेकर वह भाईचारा सम्मेलन भी शुरू करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 27 जुलाई को मुजफ्फरनगर से होने जा रही है। दरअसल राकेश टिकैत का दबदबा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है और पंचायत चुनाव के वक्त राकेश टिकैत ने बीजेपी को सबक सिखाने की बात भी कही थी, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में पश्चिम यूपी की 14 सीटों में से 13 पर भाजपा ने जीत का परचम लहराकर टिकैत के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। बागपत को छोड़कर सभी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीते थे। 7 प्रत्याशी तो निर्विरोध चुने गए थे। वहीं ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मेरठ समेत वेस्ट यूपी में भाजपा ने बंपर जीत दर्ज की। कुल 109 पदों में से भाजपा ने 96 पर चुनाव लड़ा और 85 सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। मुजफ्फरनगर और बागपत में एक एक सीट पर भारतीय किसान यूनियन ने जीत दर्ज की है। बीजेपी की बंपर जीत पर राकेश टिकैत का कहना था कि बीजेपी ने बंदूक के दम पर चुनाव जीता है, विपक्षियों को डराया और धमकाया गया। बहरहाल माना यह भी जा रहा है कि टिकैत किसान आंदोलन के नाम पर यूपी में सियासी हित साधने की कोशिश में हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या यूपी के किसान एकजुट हो पाएंगे। आरएलडी सपा की नजदीकियां बड़ी है, पंचायत चुनाव में बीजेपी ने अपनी ताकत दिखा दी है। ऐसे में टिकैत यूपी की सियासत में कहां टिकेंगे, क्या वे किसानों के एक छत्र नेता बन पाएंगे। चर्चा से पहले सुनते हैं क्या कहा राकेश टिकैत ने। और यहां के भी हम बता देना चाहते हैं यहां की सरकार को भी कि सरकार सही उससे काम करें, नहीं काम होगा वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बना जाएगा, लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे, उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ और मुद्दा में तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राज सिंह देसवाल जी हमारे साथ है, सेक्रेटरी है बीकेयू के। अनंत अमित जी हमारे साथ है, लीडर है बीजेपी के। और साथ ही साथ मनोज यादव जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है एसपी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा राज सिंह देसवाल जी आपसे है। सर, राजधानी दिल्ली के तर्ज पर लखनऊ में भी ऐसा ही हंगामा किया जाएगा जैसा कि दिल्ली में किया जा रहा है, इसके क्या मायने निकाले? देखिए, इसका बड़ा स्पष्ट संदेश है कि सरकारों को जो है ना, जो जनता है, जो पब्लिक है, उनकी ग्रीवेंसेस को, उनकी समस्याओं की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके साथ जो है ना उनको अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। जिस तरह आज वर्तमान हमारी केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, उनका जो व्यवहार है वो ऐसा ठीक नहीं है। किस किस तरीके की बातें बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कहते हैं बात कर लो, बात बात करने के लिए कहते हैं प्रस्ताव दे दो, हमने लिख के भेज दिया, इनको लेटर लिख दिया कि भाई हम आपके साथ में इन कानूनों के ऊपर और एमएसपी पे बात करना चाहते हैं। नेहा जी, आप ही बताइए क्या ये प्रस्ताव नहीं है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि
राज्य सरकार और भी स्टेट हैं, और स्टेटों में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं कर रहे, एक हरियाणा ज्यादा कर रहा है, एक जो है ना ये यूपी कर रहा है, ये तरह तरह की बातें बोलते हैं। अब आखिर हमने फिर ये कहना पड़ा कि देखिए आप अच्छी तरह से काम कीजिए, टिकेत ने कहा है आप अच्छी तरह से काम कीजिए, वरना हमें जो है ना जिस तरीके से हमने दिल्ली में ये रास्ते बंद करके हम बैठे हुए हैं, हम अपना आंदोलन चला रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से, वैसे ही जो है ना हम लखनऊ में भी करना पड़ेगा हमें। तो इस पर जो है ना अभी हम लोग एक लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर रह रहे हैं, हम लोग जो है ना कोई तरीका हमें सुझा दे, कुछ हमारे भाजपा के मित्र कह देते हैं, हालांकि ये भाजपा की सरकार है, सरकार और राज्य सरकार तरह तरह की बातें करती है, लेकिन जो राकेश टिकैत करते हैं उसके क्या मायने निकाले? वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, तो इसके क्या मायने निकाले? नहीं, एक बात तो नया जी आप ही बताइए, अगर ये महंगाई हो रही है या जो है ना बेरोजगारी हो रही है, तो क्या हमारे जो लोग बेरोजगार बच्चे हैं या महंगाई से जो पीड़ित परिवार हैं आप भी उसके अंदर शामिल हैं, क्या इसमें आप जो ना जो वर्तमान सरकार है क्या इसको वोट देंगे? माना तो ये जा रहा है ना देशवाजी, माना ये जा रहा है कि टिकैत किसान आंदोलन के नाम पर यूपी में सियासी हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल राइसन में इसमें हर वो व्यक्ति जो वोट देता है वो अपना राजनीतिक इच्छा प्रकट करता है, तभी तो वो चुनता है। अगर कोई सरकार उसके लिए अच्छा करेगी तो वो उसको अच्छा कहेगा कि भाई बहुत अच्छी सरकार है, हमने चुना भी तो था इसी सरकार को, कितने बहुमत से चुना था हमने, ठीक है, तब तो ये हमारे को बड़ा वाहवा कर रहे थे देशवाल साहब। ठीक है आनंद अमित जी, क्या हो रहा है सर देश में? अभी तो राजधानी दिल्ली में किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे और गाजीपुर बॉर्डर या फिर सिंघू बॉर्डर पर हमने देखा कि किस तरह से काफी वक्त तक सड़क रोक दी गई, लोगों को दिक्कतें हुई, अब लखनऊ में भी इस तरह के आलम दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह के हालात बने हुए हैं। देखिए नेहा जी, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में आंदोलन करना सभी का हक है और जो चाहे जहां आंदोलन कर सकता है, लेकिन मैं क्योंकि राकेश टिकैत जी जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से राकेश टिकैत जी की इच्छा जो है किसी तरीके से विधानसभा और लोकसभा जाने की है, वो इच्छा इनकी बहुत पुरानी है। 2007 के चुनाव में ये खतौली से कांग्रेस के सपोर्ट से बीकेडी के टिकट पे चुनाव लड़ा इन्होंने और इनको 9000 वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पे अमरोहा से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और इनको मात्र 9600 वोट मिले थे। पूरी देश की जनता जानती है कि राकेश टिकैत जी का एजेंडा क्या है और किस तरीके से राजनीति करना चाहते हैं। पूरे देश के किसानों को गुमराह करने का जो ठेका राकेश टिकैत जी ने ले रखा है, हम राकेश टिकैत जी और संयुक्त मोर्चा को यह कहना चाहते हैं पार्टी की तरफ से कि आप आइए, लोकतंत्र में आंदोलन करने का सबको अधिकार है। सर लोकतंत्र में आंदोलन करने का तो अधिकार है, लेकिन जब हालात खराब हो जाए, किसान सड़कों पर हो, तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि हालात को बेहतर करें? नेहा जी मैं उसी लाइन पे आ रहा था। नेहा जी आप भी नोएडा और दिल्ली के इलाके में रहती हैं, जिस तरीके से 26 जनवरी में किसान आंदोलन के नाम पे दिल्ली के सड़कों पे जो दंगे किए गए, इनकी मंशा अगर 15 अगस्त को लखनऊ में ऐसे दंगा करने की है तो हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप अपना उल्लू सीधा करना राजनीति में बंद कीजिए, किसानों की हक की लड़ाई लड़िए, सरकार वार्ता के लिए तैयार है, आप आइए, आपके साथ हम वार्ता करेंगे, समस्या का समाधान वार्ता के माध्यम से होगा। 11 दौर की बातचीत हो गई, समस्या का समाधान नहीं निकल रहा, कैसे निकलेगा मनोज जी, कैसे समस्या का समाधान निकलेगा? और आरएलडी और सपा की जो नजदीक है, ठीक है सर, आरएलडी और सपा की जो नजदीकियां बड़ी है उसके क्या मायने निकाले? देखिए वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का एक गठबंधन है, उस गठबंधन से नफा नुकसान जो होगा वो 22 में पता चल जाएगा। लेकिन जो भाषा बीजेपी के अभी नेता इस चैनल पे बोल रहे हैं किसानों को लेके, वो अमर्यादित है। और अगर किसान संगठन आंदोलन कर रहा है तो उसका संवैधानिक अधिकार है। और अगर राकेश टिकैत की कोई हैसियत नहीं है तो राजनाथ सिंह से लेके बीजेपी के दर्जनों नेता, दर्जनों मतलब दर्जन में कई कोई इनके बड़े नेता छूटे नहीं है, उन लोगों को राकेश टिकैत के मंच पे कभी जाना नहीं चाहिए था। बिना हैसियत वाले आदमी के मंच पे आप क्यों राजनाथ सिंह एज ए मुख्यमंत्री जाते थे, क्यों राजनाथ सिंह एज ए विपक्ष के
राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखे जाते थे क्या? सर्वोत्तम नहीं आती थी बीजेपी के लोगों को कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के मंच पे जाके भाषण दे रहा है, किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। तब वो किसान किसान होते हैं, और जब आप सत्ता में पहुंच जाओ और आपसे चार सवाल आपकी चार मांगे कर ले तो आप कहते हो ये किसान नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं, राजनीतिक व्यक्ति है, ये कौन से आप तय करने वाले हैं? अनंत जी जवाब दीजिए, कौन चुनाव जी? नेहा जी, मैं मनोज जी के बातों का जवाब देना चाहता हूँ। जहाँ अमर्यादित शब्दों की बात है, भाषा की बात है, तो हमारी पार्टी में ये शिक्षा शुरू से दी जाती है कि कैसे मर्यादा से बात करना। ये मनोज जी हमें ना सिखाए, मनोज जी अपनी पार्टी अपनी मर्यादा की बात का ध्यान रखें। जहाँ तक किसानों की आंदोलन की बात है, जहाँ तक टिप्पणी करने वाले मनोज जी बात सुनिए, मनोज जी आपके समय बोला नहीं, आप कृपया करके सुनिए। आपकी हिम्मत नहीं कि किसानों को लेकर टिप्पणी करें आप? नहीं नहीं, हिम्मत उम्मत की बात मत कीजिए मनोज जी। हिम्मत ना है आपकी, हिम्मत इसलिए नहीं कि आप हमेशा से मनोज जी कृपया करके आप हमारी बात सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। आपके बातों सत्ता में काम करो, अगर आपके बातों का जवाब मैं देना चाहता हूँ। मनोज जी आवाज ऊंची कीजिए, मनोज जी सुनने की क्षमता रखिए, जवाब मिलेगा। मनोज जी सुनने की क्षमता रखिए। मनोज जी आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी किसान आंदोलन के दौरान इनके मंच पे गए। मैं आपको पुनः फिर करना चाहता हूँ कि मनोज जी जब जब किसानों के आंदोलन को लेकर किसान आंदोलित होंगे, हमारे नेता उनके पास जाएंगे, उनको बुलाएंगे, उनसे वार्ता करेंगे। किसान हमारे देश का भगवान है। चलिए ये तो मानते हैं ना कि किसान सड़क पर है, अमित जी अनंत अमित जी, ये आप मानते हैं ना किसान सड़क पर है? नेहा जी अभी तक तो बीजेपी के नेता से नकार रहे थे, कह रहे थे किसान नहीं है, ये तो किसान नेता सड़क पर है। नहीं नहीं, हम ये नेहा जी हम ये जानना चाहते हैं जो ये किसान नेता जो आंदोलन कर रहे हैं इनका एजेंडा क्या है, ये देश की जनता भी जानना चाहती है। अभी आपने कहा, अभी आपने कहा कि जब जब किसान आंदोलन करेंगे तो हमारे नेता जाएंगे। आप मानते हैं कि ये किसान सड़क पर है? आज ये स्थिति आ गई है कि किसानों को सड़क पर आंदोलन करना पड़ रहा है, आप मानते हैं इस बात को? हमारे किसान राष्ट्रीय किसान मंत्री ने नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लगातार इनको बुलाया, इनसे कई राउंड की वार्ता हुई, लेकिन उन वार्ता के दौरान में हमारी पार्टी और सरकार ये जानना चाहिए कि आपके आंदोलन का डिमांड क्या है, लेकिन वास्तविकता इनके पास डिमांड कुछ है नहीं। हमने जो तीन कानून को लेकर आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी, मैंने आपके चैनल में पिछली बार भी कहा था, और हमारी सरकार ने भी डेढ़ साल तक इस कानून को लागू नहीं करने का तय किया। उसके बावजूद ये लगातार किसान आंदोलन करते रहे, अपनी राजनीति चमकाते रहे। आज उत्तर प्रदेश की याद इसलिए आई है क्योंकि पूरा देश जानता है कि आगामी फरवरी माह में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ठीक है, विधानसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, ठीक है। मनोज जी एक सवाल बहुत अहम है, अभी हम राकेश टिकैत के दबदबे की बात कर रहे थे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही उनके दबदबे की बात की जाती है। पंचायत चुनाव के वक्त राकेश टिकैत ने बीजेपी को सबक सिखाने की बात की थी, आपको याद होगा, और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में पश्चिमी यूपी से 14 सीटों में से 13 सीटों में भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। क्या उम्मीद करें कि विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे क्या, और ऐसे ही सिखाएंगे? देखिए, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो होता है वो जनता का चुनाव नहीं, वो सत्ता का चुनाव होता है। उस बात से, उस चीज से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी, ये तो उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए था ना देसवाल साहब, उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए था कि पंचायत चुनाव में नहीं, हम तो जी विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे। पंचायत चुनाव में दोनों ने उनकी हैसियत बता दी ना। नेहा जी, सबसे ज्यादा जानकारी जो है ना जानता हूँ आपके पास में, जनता ने मात्र 540 इनके प्रतिनिधियों को जिताया था 3.5-4 हजार में से, बाकी जो है ना इन बीजेपी को तो हार मिली थी पंचायती चुनाव में, लेकिन फिर किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, पुलिस को लगा के DCDM ये वो लगा के किस तरीके से अपहरण करे गए, किस तरीके से महिलाओं को निवस्त्र किया गया, किस तरीके से पर्चा भरने से रोका गया, वो सब इस देश ने देखा है, वो देश भूला नहीं है अभी इन चीजों को, और चुनाव में भी नहीं भूलेगा। तो इसके परिणाम तो इनको भुगतने ही पड़ेंगे कि जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं। छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून तीन लाई सरकार, और जिस तरीके से लाई, कानून लाई और जिस तरीके से लाई, ये किसान जो ना दोनों बातों का विरोध करते हैं। जिस तरीके से ये कानूनों को लाई, ये इनका तानाशाही रवैया था, जिस तरीके से इन्होंने सरकार कानून को लेके आई, आज रात के 12 बजे आप लोगों ने सड़क पे जमावड़ा लगा लिया, और राकेश टिकैत ने इस पूरे आंदोलन की ठेकेदारी ले रखी है। सीधा सवाल मेरा देसवाल जी आपसे है,
ऐसे में सवाल अब ये है कि टिकैत यूपी की सियासत में कहाँ टिकेंगे और क्या वो किसानों के एक छत्र नेता बन पाएंगे, क्योंकि कोशिशें तो लगातार की जा रही है राकेश टिकैत की तरफ से। आवाज कम आ रही है नेहा जी आपकी, आई नहीं आवाज की? आवाज आ रही है देसवाल साहब? हाँ हाँ अब आई। सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा ये है कि टिकैत यूपी की सियासत में आखिर कहाँ टिक पाएंगे, क्या लगता है आपको कि टिक पाएंगे और क्या वे किसानों के एक छत्र नेता बन पाएंगे क्या? देखिए आप सब जानते हैं कि एक छत्र नेता बनकर कोई काम नहीं कर रहा, ये 40 आदमी 40 संगठन जो है ना मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में भी जब ये जाकर इन सरकार के खिलाफ जो है ना ये कहा या बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था, हम स्वीकार करते हैं उसको कि भाई आप किसी को भी वोट दो जो मन में आए आप करो, लेकिन भाजपा जो है ना वो देश के हित में नहीं है, आप इसको वोट मत देना। यही बात हमने यहाँ पर भी कहना है, सारे संगठन हर जिले में हर उसमें जाएंगे गांव-गांव में हम लोग और जाकर यही बात कहेंगे कि देख लो भाई इन्होंने क्या करा, इनकी आदतें खराब हो गई। कहते हैं आज रात के 12 बजे ऐसे नोटबंदी लागू कर दी, ऐसे जो है ना जीएसटी, आपको नोटबंदी से क्या दिक्कत? आप तो कृषि की बात कर रहे हैं ना, कानून की बात करिए। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, मनोज जी जल्दी से बात रखिए अपनी। देखिए नेहा जी, देने वाली सरकार है और जो डिमांड कर रहे हैं वो किसान है, तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा तो सरकार हुई ना, और छोटा किसान है, वैसे अन्नदाता उसको कहा जाता है, भगवान के बाद डॉक्टर और किसान ये जिसको ईश्वर का दर्जा प्राप्त है। लेकिन ये ऐसी क्रूरता के साथ सरकार उनके साथ बिहेव कर रही जैसे किसान की कोई मांग ही जायज नहीं है और सरकार जो कर रही है वो सब बेहतर है। अरे अगर किसान को नहीं चाहिए आपके तीन काले कानून तो आप उसको रिटर्न करो ना, वापस करो। नहीं किसान अपना भला चाहता है, आप क्यों उसके पीछे पड़े हो जबरदस्ती? अगर आप जबरदस्ती पड़े हो तो मनसा क्लियर नहीं होती है, उससे ये स्पष्ट होता है कि इसमें कहीं ना कहीं पूंजीपतियों का और खासकर 2-3 पूंजीपतियों का फायदा है किसान की जमीन हड़पने का। वो नहीं, ये देश का किसान नहीं लागू होने देगा। क्यों आप उसकी जमीन हड़पना चाहते हो जबरदस्ती? क्यों उसको कर्जदार बनाना चाहते हो? अरे इस देश में सरकारें किसानों को कर्जा देती है क्योंकि उनके मूल्य का निर्धारण उनकी फसल का वो खुद नहीं करता है, वो सरकारें तय करती है, तो उसकी मदद कोई उद्योगपति कैसे कर पाएगा? किसान की मदद नहीं कर सकता है, कोई व्यापारी कैसे कर पाएगा? इसलिए सरकार को समय रहते चेत जाना चाहिए, न फिर तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, न सत्ता रह जाएगी न देने वाले दासा रह जाओगे आप। इसलिए समय रहते उनका आप वापस कर लीजिए, आप श्रेय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष के पास महंगाई से लेके भ्रष्टाचार से लेके कोरोना से लेके बहुत मुद्दे हैं राजनीति करने को, हमें किसान का ही मुद्दा लेके राजनीति में नहीं उतरना है। आप उनके बातों को मानिए और वापस करिए काले कानून। ठीक है, कुछ उद्योगपतियों के लिए कानून लाए गए हैं, किसान के हित के नहीं है। अच्छा नेहा जी एक बात बताइए, आपके हित का कोई सामान आएगा, कोई योजना आएगी तो आप उसको मना करोगी क्या? आप तो ले लोगे तुरंत कि भैया ठीक है ये हमारे हित के लिए आया है। ठीक है अनंत अमित जी, क्यों आखिर जब ये सड़क पे किसान है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, संसद चल नहीं पा रही है, सर हर तरफ से सरकार की आलोचना हो रही है, इसके बावजूद भी आप तीनों कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा क्या है? एक ठप्पा लगा दे कि जिस सरकार ने फैसला ले लिया तो ले लिया, क्यों भाई? नहीं नहीं नेहा जी, जिस तरीके से हमारी सरकार विगत 7 वर्षों में किसानों के समर्थन मूल्य को लेकर, किसानों के बाजार भाव को लेकर, MSP को लेकर निरंतर जिस तरीके से किसानों के उन्नति के लिए काम कर रही है, पूरा देश 7 साल में इस बात का साक्षी है कि नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित के लिए उनकी सड़क पे आंदोलन, संसद में हंगामा, मैं इसके क्या मायने निकालूं सर? अभी आप कह रहे हैं सड़क, अगर सड़क पे किसान है तो हम उनसे बात करेंगे, बातचीत आप कर रहे हैं, कोई समाधान निकल नहीं रहा, आप अपनी मांगों से नीचे झुकने के लिए तैयार नहीं है, आप चाहते हैं किसान झुक जाए, क्यों झुक जाए जब वो सड़कों पे है, लगातार कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि इससे फायदा होगा किसानों को? नेहा जी आप ये बताइए कि ये जो मुट्ठी भर जो किसान नेता जो किसान आंदोलन कर रहे विगत 7 महीने से, ठीक है, तो क्या पूरे देश का किसान, पूरे देश का किसान बैठता है क्या? मनोज जी आप बैठते हैं ना, मनोज जी आप थोड़ा रिप्रेजेंट बन के बैठे हैं ना, आप क्या बता मनोज जी बैठ रहे हैं, ये नहीं चलेगा, ये टीवी पे नहीं चलेगा, आप सीधे सीधे जवाब दो, मुझे किसानों से बोलना आता है, चुप रहिए, चुप रहिए, आपको बात करनी है, नहीं नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, आप दोनों अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे नहीं मनोज जी, अनंत अमित जी, इस तरह से नहीं, प्लीज
इस तरह से नहीं, आप शब्दों की मर्यादा और की सीमाओं को मत लांघिए प्लीज। नहीं, इस तरह से नहीं करिए आप लोग। आप दोनों अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। मनोज जी, मनोज जी, अनंत अमित जी, देखिए अगर कोई भी अपनी बातों को करना चाहता है, रखना चाहता है, तो आप हैंड रेस करिए। इस तरह से नहीं, आप दोनों अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए अच्छा नहीं लगता नेशनल चैनल पे आप लोग। मनोज जी के बीच में मैं नहीं बोल रहा था, हैंड रेस करिए, मैं मौका दूंगी आपको कि आप बातों को, आप हमारे बीच में भी ना बोले। ठीक है, देखिए जहां तक बात है, मनोज जी ने ये कहा कि किसानों की दुख दुविधा को लेकर हमारी सरकार निरंतर पिछले 7 वर्षों से नरेंद्र जी के नेतृत्व में किसानों के हित के लिए, हमारा एक ही लक्ष्य है, किसानों की आय 2022 में कैसे दोगुनी की जाए। इसके लिए निरंतर आपने देखा होगा कि बजट सेशन में भी किसानों के लिए 125 करोड़ का व्यवधान लेकर आई है, जो कि किसानों के हित के लिए काम के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। आप तो किसानों के हित के लिए सोच रहे हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जी इससे हमारा हित नहीं है, वापस ले लो। तो आपको वापस लेने में क्या आपत्ति है सर? ये नेहत के किसान नहीं कह रहे, ये जो कुछ किसान नेता हैं ये कह रहे हैं, ये देश का किसान ये बात नहीं कर रहा है। तो अभी आपने कहा कि हम लोग बात कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि लोग किसान नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि किसान नेता है, आप अपनी बातों पे ही नहीं है। मनोज जी, मनोज जी, ये जो आरएलडी का सपा के साथ जो गठबंधन हुआ है, ये क्या, ये जो भी हालात है, जो स्थितियां है, उसको भांपते हुए किसानों को अपने पक्ष में करने की एक कोशिश है क्या? नहीं देखिए, हमने अभी आपको स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। निश्चित तौर पे आरएलडी किसानों का मुद्दा भी इसमें अहम है। मनोज जी जी, किसानों का विषय भी इसमें बहुत बड़ा है, अहम है। नहीं देखिए, बिल्कुल, अगर सरकार पीछे अपने कदम नहीं रखेगी तो विषय बहुत बड़ा होगा, और इतना बड़ा होगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पे इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। वैसे अभी इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन कहा जा रहा है, लेकिन जो परिणाम 2022 का आएगा तो ये पश्चिमी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का है। लेकिन इस बीच आरएलडी के साथ गठबंधन, क्या लगता है कि किसानों के वोट पाने में आप लोग कितने हद तक कामयाब रहेंगे? देखिए, हम सिर्फ किसानों पे फोकस करेंगे तो बात छोटी हो जाएगी, लेकिन वो अलग बात है। नहीं, छोटी नहीं होगी ना, किसान देश में बहुत है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहता हूँ, एक बड़ी संख्या, लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, इतने मुद्दे हैं जो कल्पना से परे हैं। आप सोच नहीं सकती है कि उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति और नौजवानों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति क्या है। उन सबको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी 2022 में, और किसानों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा, हमारे जो घटक दल होंगे उनको मिलेगा, और बीजेपी को हराने के लिए जो जहां हरा पा रहा होगा उसको किसानों का वोट मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास वक्त की कमी है अनंत अमित जी, नहीं तो मैं आपको मौका देती हूँ, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से आरएलडी और सपा की नजदीकियां बढ़ी है, गठबंधन की बात की जा रही है, पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी ताकत दिखा दी है कि आखिर हम किस तरह से जीत हासिल कर सकते हैं या फिर हम जीत हासिल करेंगे, लेकिन इस बीच राकेश टिकैत अपना वर्चस्व स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो इस कोशिश में कामयाब हो पाते हैं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।